आजकल गाड़ियों की चोरी आम बात हो गई है, चाहे बाइक हो या कार हो, सभी के मन में ये डर रहता है कि कहीं उनकी गाड़ी चोरी ना हो जाए। इसी से बचने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ट्रैकिंग डिवाइस, जिसकी मदद से आप अपने बाइक को या कार को ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको लाइव मैप पर देख सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो कहाँ पर है और कौन सी स्पीड से वो दौड़ रही है या चल रही है, चाहे आपकी गाड़ी को चोर लेके जाए या आपके चोर दोस्त लेके जाए, सबका पता लगा सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। समझ रहे हो आप? इस वीडियो में हम देखेंगे इस ट्रैकिंग डिवाइस के परफॉर्मेंस को, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको अपने बाइक में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस डिवाइस का परफॉर्मेंस कैसा है। मैंने अपने बाइक में पहले से ही इस डिवाइस को इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो हम अभी डायरेक्ट इसका परफॉर्मेंस देखेंगे। तो अब हम अपने मोबाइल से इसके ऐप्स को ओपन करेंगे। ये हमने ओपन कर लिया और ये ट्रैक में क्लिक करेंगे। यहाँ पे लोकेशन जो दिखा रहा है, मैप जो दिखा रहा है, थोड़ा जूम करके मैप को देखेंगे कि कहाँ पर है। तो ये जो ई नेशन वर्क्स दिखा है, ये मेरे ऑफिस का नाम है, यहीं पे बाइक को दिखा रहा है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो ये हमारे फेमस राइडर है, इंटरनेशनल बाइकर है, ये बाइक को चलाते हुए कहीं और जाएंगे और इसको हम ट्रैक करेंगे अपने मोबाइल से। तो चलो जल्दी चालू करो और निकलो यहाँ से। हाँ आ जाओ ना, इधर दिखाता हूँ। तो हम इस ट्रैक को ऑब्जर्व करने के लिए एक बहुत ही बड़े आदमी आ रहे हैं। क्या बोला तूने? चलो जल्दी आओ। तो ये बाइक निकल चुका है और कहाँ तक जाएगा वो उसको ही पता है। हम यहाँ मैप में हम उसको ट्रैक करेंगे और यहाँ पे व्हीकल 01 लिखा है, वही हमारा उसी बाइक में हमारा डिवाइस सेट है। ये थोड़े साइड वाले रोड में जा रहे हैं। तो ये जो रोड लिखा है नेशनल हाईवे 30 है, वहाँ पर हमारा बाइक पहुँच चुका है। तो यहाँ पे बाइक का स्पीड दिखा रहा है 42 किलोमीटर पर आवर, और डेट और टाइमिंग दोनों लिखा हुआ है, देखिए। तो यहाँ HP पेट्रोल पंप के पास हमारा बाइक पहुँच चुका है और मेरे ख्याल से वो वापस आएगा, थोड़ा देर वेट करेगा। मैंने उसको बोला था कि वहाँ पे जाके थोड़ा वेट करना, उसके बाद बाइक को टर्न करके वापस ले आना है करके। बाइक में इंस्टॉल करने के बाद आपको तीन और चीज़ें करनी होंगी। एक होगा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना अपने मोबाइल पे, दूसरा है सिम कार्ड को रिचार्ज करना, और तीसरा है मेंबरशिप लेना, जो इसके डिवाइस जिस कंपनी से आपने इस डिवाइस को लिया है वहाँ से आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ करने के बाद आप अपने डिवाइस को या अपने वाहन को ट्रैक कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मज़ा आया। तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है, 2 या 2500 के बजट में उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि आपका जो बाइक है, आपका कार है, वो एकदम सेफ रहेगा। यदि आपके बाइक या कार को कोई चोरी कर लेता है तो आप उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही यदि आपने अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को बाइक दिया है और उसको आप बाद में ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप एप्स की हिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी बाइक को कितने स्पीड से, कौन से समय में और कहाँ पर कितने घंटे के लिए रोका गया था। तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है, मेरे ख्याल से आपको ले लेना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है,